हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बॉलीवुड के कोरियोग्राफर और डायरेक्टर रेमो डिसूजा की धोखाधड़ी मामले में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने अपना पासपोर्ट गाजियाबाद पुलिस को जमा करवाया है। गौरतलब है कि रेमो के खिलाफ गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में धोखाधड़ी सहित अन्य संगीन धाराओं में मामला दर्ज है। 5 करोड़ रुपए का है विवाद। जानकारी के अनुसार सत्येंद्र त्यागी नामक व्यक्ति ने रेमो के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। त्यागी का आरोप है कि 2013 में रेमो से उसकी मुलाकात हुई थी। इसके कुछ समय बाद रेमो ने अपनी फिल्म अमर मस्ट डाई में त्यागी को 5 करोड़ रुपए लगाने को बोला। त्यागी ने आरोप लगाया कि रेमो ने कहा था कि फिल्म रिलीज के बाद उसे दोगुनी रकम वापस करेंगे, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद रेमो ने रुपए वापस नहीं किए। देखिए, रेमो डिसूजा के ऊपर एक अभियोग थाना सिहानी गेट में कायम हुआ था, जिसमें माननीय न्यायालय का एक आदेश हुआ था जिसमें उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना था और जमानत भरनी थी। कल रेमो डिसूजा उस केस के सिलसिले में आए थे, उनके द्वारा नियमानुसार अपनी जमानत दाखिल की गई तथा पासपोर्ट को जमा किया गया। दोनों कंप्लाइंस उनके द्वारा की कर दी गई हैं और बाकी जो फर्दर निर्देश कोर्ट के होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। टाइम 24 न्यूज के लिए गाजियाबाद से सोनू खान की रिपोर्ट। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।